बांग्लादेश को धूल चटाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए काल बनेंगे भारत के दो सूरमा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने से पहले ही कंगारू खिलाड़ियों को सता रहा दो भारतीयों का डर। पहले बांग्लादेश को पीटा, अब कंगारुओं को डरा रहे टीम इंडिया के दो चैंपियन खिलाड़ी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल के अंत में 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज खेली जाएगी। टीम इंडिया पिछले 4 बार से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने में कामयाब रही, जिसमें 2 बार ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में रौंदना शामिल है। अब भारतीय टीम की नजरें कंगारुओं को उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज में मात देने की हैट्रिक लगाने पर है। आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले एक स्टार ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने 2 भारत खिलाड़ियों को उनकी टीम के लिए बड़ा खतरा बताया है। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का मानना है कि आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मेजबान टीम के बल्लेबाज भारत की टॉप स्पिन जोड़ी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा से किस तरह निपटती है। ये मैक्सवेल का ही मानना नहीं, उनके कई हमवतन इस बात को कबूल कर चुके हैं कि अश्विन और जडेजा टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर है। बता दें कि भारत ने 2018-19 और 2020-21 के दौरे पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अब टीम इंडिया की निगाहें लगातार तीसरी सीरीज कब्जाने पर लगी है। भारत एशिया का एकमात्र देश है जिसने टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर शिकस्त दी है। मैक्सवेल ने कहा कि अगर अश्विन और जडेजा की जोड़ी खेल का नतीजा तय करती है, मेरा मानना है कि लंबे समय तक अश्विन और जडेजा जैसे गेंदबाजों के खिलाफ खेलने के बाद ऐसा लगता है कि हमने लगातार इन दोनों का सामना किया है और अक्सर उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन मैच का नतीजा तय करता है। हालांकि मैक्सवेल अब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट की योजना का हिस्सा नहीं है और 2017 में अपना अंतिम टेस्ट खेलने के बाद उन्होंने कहा कि उनके देश के बल्लेबाजों को भारत के सीनियर स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। अश्विन और जडेजा ने मिलकर 330 पारियों में 821 विकेट झटके हैं, जिसमें से 50 दफा वो 5 विकेट झटक चुके हैं। मैक्सवेल ने कहा, अगर हम अश्विन और जडेजा के खिलाफ अच्छा खेलते हैं तो हम अच्छी स्थिति में होंगे। ये दोनों खिलाड़ी मेरे करियर में ज्यादातर समय गेंदबाजी करते रहे हैं। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह की भी प्रशंसा करते हुए कहा, और अब जसप्रीत बुमराह, मैं 2013 में मुंबई में आईपीएल में उनके पहले सीजन में वहां था और नेट्स में लगभग हर दिन उनका सामना करता रहा। वो तब युवा प्रतिभा थे और अब उसे इस तरह से शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए देखना अद्भुत है, जो सभी तीनों फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज 22 नवंबर को पर्थ में पहले टेस्ट के साथ शुरू होगी। पिछले कुछ सालों में भारत ने सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त हासिल की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पिछली 4 सीरीज लगातार जीती हैं, जिसमें 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में 2 जीत शामिल है। इस बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की प्रशंसा की है और कहा कि दोनों भारतीय ऑलराउंडर अक्सर ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ मैचों के नतीजे तय करते हैं। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ। और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।